सो हे व्हाट्स अप गाइस, यार फाइनली आप लोगों का वेलकम करता हूँ मेरे एक और नया वीडियो के अंदर। एंड गाइस यार आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे एंड अच्छी बने रहना। तो गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि गाइस यार आप लोग SMG गन से कैसे किसी भी बंदे को गाइस यार हेडशॉट मार सकते हो। जैसे गाइस यार आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो SMG मतलब गाइस यार लाइक आप लोग गाइस MP40, UMP, MAC-10 एंड गाइस थॉम्सन, वेक्टर, बाइजून जैसी गनों से कैसे ओनली रेड नंबर मार सकते हो। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं केवल गाइस 3 सीक्रेट टिप्स एंड गाइस एक सेंसिटिविटी सेटिंग एंड एक बेस्ट फायर बटन का साइज आप लोग गाइस एकदम हैकर बना देगा। एंड गाइस आप लोगों का जो गेम प्ले है वे गाइस एकदम पीक लेवल पर चला जाएगा। गाइस लिटरली आप लोग मेरा विश्वास मानो, अगर आज के इस वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करते हो तो गाइस आपको आज के बाद कोई भी नहीं बोलेगा भाई कैसे तू MP चला रहा है, कैसी MP40 चला रहा है। बट गाइस सब लोग यही बोलेंगे भाई तूने हैक यूज कर लिया क्या, तू हैकर बन गया है भाई, कैसे हेड्स मार रहा है। तो गाइस आप लोगों को बस गाइस स्टेप स्टेप सब कुछ समझना है एंड 3 सीक्रेट टिप्स है जो गाइस मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। सो गाइस यार आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा एंड गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो तो आप लोगों से मेरी एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग के बगल में एक बेल नोटिफिकेशन आएगा या फिर घंटे का आइकन आएगा तो आप लोग उसको ऑल पे सेट कर लीजिएगा हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन से पहले। एंड भाई लोग अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम करने में गाइस यार यूनिक FF टिप्स। एंड गाइस चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो गाइस यार जो मैं आप लोग के साथ 3 टिप्स शेयर करने वाला हूँ उससे सबसे पहले गाइस यहाँ पर आप लोग के पास होना चाहिए एक परफेक्ट ड्रैग करने का तरीका। जी हाँ गाइस आप लोग के पास एक परफेक्ट ड्रैग करने का तरीका होना चाहिए। गाइस SMG गन से बहुत तो गलत ड्रैग करते हैं जिसकी वजह से गाइस उनका हेड नहीं लगता। एंड गाइस जो हमारी दूसरी टिप्स है वे गाइस यहाँ पर आप लोग को गाइस कर्सर सही तरीके से यूज करना सीखना पड़ेगा। मतलब गाइस आप लोग का जो जॉय स्टिक है उसको परफेक्ट तरीके से आप लोग को यूज करना पड़ेगा। एंड गाइस तीसरा एंड जो इंपॉर्टेंट है वे गाइस आप लोग को परफेक्ट एम, आप लोग को अपना एम कहां रखना है जब एनिमी आपके सामने है या फिर आप उसके ऊपर रस करना चाहते हो या फिर आप उसको मारना चाहते हो तो आप लोग का एम कहां पर वे गाइस यार बहुत मायने रखता है तो उसको भी आप लोग को बहुत परफेक्ट रखना पड़ेगा। एंड गाइस उसी के साथ आप लोग के पास एक परफेक्ट सेंसिटिविटी सेटिंग भी होनी चाहिए एंड एक परफेक्ट फायर बटन। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को यहां पर बताऊंगा कि आप लोग को अपने कर्सर को कैसे यूज करना है, फिर सेकंड गाइस मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग को ड्रैग कैसे करना है एंड गाइस जो थर्ड वे गाइस मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग को अपना एम कहां पर परफेक्ट तरीके से रखना है। एंड गाइस फिर मैं लास्ट में आप लोग को सेंसिटिविटी एंड फायर बटन बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस यार आप लोग स्किप मत करो, आप लोग वीडियो को देखते रहो। एंड गाइस चलिए मैं आप लोग को बताऊं आप लोग कर्सर कैसे यूज करना है, फिर आप लोग को एक एक सब टिप्स मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। ओके गाइस यार आप लोग परफेक्ट कर्सर ट्रिक में यहाँ पर देखो गाइस, जब मैं यहाँ पर फायर कर रहा हूँ तो आप लोग देखो मेरे कर्सर को। अभी गाइस मैंने यहाँ पर एक बार मारा बंदे को, अब देखो सेकंड टाइम मैं मार रहा हूँ, अभी मैं कर्सर का यूज कर रहा हूँ बट जैसे ही बंदा आता है मैंने फायर पे क्लिक करा तो गाइस मैंने कर्सर को छोड़ दिया। जी हाँ गाइस यार आप लोग इतनी बात समझ लो, अगर आप बंदे को मारने जा रहे हो एंड जैसे आप लोगों ने उस पर फायर दिया, पहला फायर भी दिया, तो गाइस यार आप लोग को जो अपना कर्सर है उसको छोड़ देना। आप किसी भी एंगल में यूज कर रहे हो सर, आप लोग गाइस हर एक क्लिप में देखो, इस क्लिप में भी आप लोग देखो मैंने कर्सर को गाइस रत्ती सा भी टच नहीं किया जब मैंने फायर बटन को टच किया, ठीक है। अभी यहां पर मैं कर्सर यूज कर रहा हूं बट जैसे ही मैं बंदे के ऊपर फायर करता हूं तो गाइस यहां पर मैं अपने कर्सर को यूज नहीं करता हूं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहां पर भी गाइस मैं यहां पर कर्सर को यूज कर रहा हूं पीछे की तरफ बट गाइस फायर करते समय मैं अपने कर्सर को छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। तो गाइस आप इतनी बात समझो कि भाई बंदे पे आप लोगों को हमेशा कर्सर को छोड़ देना है, ठीक है। जब आप उसके ऊपर फायर कर तो गाइस बहुत लोग कर्सर यूज करते रहते हैं, इस वजह से गाइस उनका हेड नहीं लगता, ठीक है। तो आप फायर करते समय अपना कर्सर छोड़ देना, ये भूल जाना कि आपके गाइस यार अकाउंट के अंदर कर्सर है ही नहीं, ठीक है। तभी गाइस आप लोग यहां पर UMP से हेडशॉट मार पाओगे, क्योंकि जब आप कर्सर यूज करते हो आप लोग की बुलेट रिक्वायर हो जाती है एंड आप लोग का हेड नहीं लगता, ठीक है। तो आप लोग कर्सर मत यूज करना। तो गाइस ये तो आप लोग को समझ में गया आप लोग कर्सर कैसे यूज करना, ठीक है। तो गाइस अब मैं आप लोग बताऊं आप लोग को एम कैसे लेना है एंड गाइस आप लोग को फायर किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो गाइस आप लोग देखते रहो। तो गाइस यार अब जो हमारी दूसरी टिप्स है वे है गाइस यहाँ पर परफेक्ट एम। जी हाँ गाइस यार अभी आप लोग क्लिप में देखो मैंने क्लिप को स्लो मोशन कर दिया है एंड गाइस आप लोग को मेरा एम पर ध्यान देना है। मेरा एम गाइस हमेशा वाइड रह रहा है। जी हाँ गाइस मेरा एम हमेशा जमीन पर रह रहा है, बंदे के पैर पर या फिर गाइस यार ऊपर रह रहा है। अभी आप लोग देखो मेरा एम नीचे था, मैंने ड्रैग करा वाइट एम लेकर एंड गाइस तुरंत हेड लगा। यहाँ पर भी मेरा वाइट एम है एंड मैंने ड्रैग करा और मेरा हेड लगा, ठीक है। अभी गाइस आप लोग इस क्लिप में भी देखो गाइस मेरा एम
हमेशा वाइट रह रहा है। जी हाँ गाइस, आप लोग को ये सिचुएशन क्रिएट करनी है कि आप लोग का जो एम है ना वे हमेशा वाइट रहे, उसको गाइस आप लोग को रेड नहीं करना है। अगर आप लोग उसको रेड कर दोगे तो एम बॉडी पे लॉक हो जाएगा एंड आप लोग का बॉडी लगेगा हेड नहीं, ठीक है। तो गाइस आप लोग क्लिप में अच्छे तरीके से समझ रहे हो कि गाइस यहाँ पर एम को हमेशा वाइट रखना है, या फिर नीचे रखो या फिर ऊपर रखो, दाएं बाएं कहीं रखो, बट गाइस आप लोग को अपने एम को वाइट रखना है। जी हाँ गाइस, 110% आप लोग का जो एम है उसको आप लोग को वाइट रखना है। आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में भी आप लोग देख लो, यहाँ पर एम वाइट है तभी गाइस यहाँ पर हेड लग रहा है। इस ट्रिक को अप्लाई करोगे तभी गाइस आप लोग का यहाँ पर हेड लगेगा। एंड गाइस जो थर्ड एंड लास्ट टिप से वे है गाइस यहाँ पर फायर, आप लोग किस प्रकार से फायर करना है, किस प्रकार से ड्रैग करना है, वे भी गाइस मैं आप लोग को आगे एकदम स्लो मोशन करके दिखा देता हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। तो गाइस जो हमारी थर्ड एंड लास्ट टिप से हेडशॉट मारने के लिए एसएमजी गन से, तो गाइस आप लोग यहां पर देखो गाइस, हमेशा आप लोग का जो फायर बटन है वे गाइस आप लोगों को कैसे ड्रैग करना है। गाइस आप लोग को सीधे स्ट्रेट ड्रैग नहीं करना है, आप लोग मेरे फायर बटन को एकदम गौर से देखो। आप लोग गाइस कुछ भी मत सोचो, बस मेरे फायर बटन को देखो। आप लोग देख रहे हो गाइस, जो मेरा फायर बटन वो पहले नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा है, ठीक है। बहुत गाइस मतलब 0.0.01 सेकेंड के लिए मेरा जो फायर बटन वो नीचे जा रहा है, फिर तुरंत ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये क्या है गाइस, आप लोग जैसे ही नीचे करोगे एंड फिर ऊपर करोगे ना, आप लोग का एम गाइस ऑटोमेटिक हेड पे जाएगा एंड गाइस पूरा लॉक हो जाएगा और गाइस सिर्फ आप लोग का हेड ही लगेगा, ठीक है। आप लोग गाइस यहां पर देख ही सकते हो क्लिप के अंदर कि जब मैं फायर कर रहा हूं तो गाइस सिर्फ आप लोग में देख सकते हो, बहुत ध्यान से देखो गाइस सिर्फ आप लोग कुछ भी मत सोच। जी हां गाइस, बस मेरा फायर बटन देखो गाइस, यहां पर मेरा फायर बटन बहुत कम सेकंड के लिए नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है। जी हां गाइस यार, आप लोग को ये बात ध्यान रखना है, जब आप लोग ड्रैग कर रहे हो तो आप लोग का फायर बटन पहले नीचे जाना चाहिए थोड़ा सा, फिर सीधे ऊपर। गाइस आप लोग को लेफ्ट राइट कहीं ड्रैग नहीं करना, सीधे ड्रैग करना है तभी गाइस आप लोग का हेड लगेगा। एंड गाइस ये एक जेन्युइन ट्रिक है, इसी ट्रिक का यूज करके गाइस सभी लोग हेड मारते हैं। जो गाइस मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग कर्सर का यूज नहीं करता, जैसे आप लोग यहां पर फायर पे क्लिक करोगे एंड आप लोग को वाइट एम रखना है एंड आप लोग को ड्रैग नीचे से ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। तो गाइस मैंने आप लोग को तीनों चीज दिखा दिया एंड आप लोग इस क्लिप के अंदर देखो गाइस, मेरा कर्सर देखो, मेरा फायर बटन देखो और मेरा एम देखो, ठीक है। वे गाइस आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग कॉन्सेंट्रेट होके देखो अच्छे तरीके से, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप लोग कैसे यूएमपी से ओनली रेड नंबर मार सकते हो। चलिए गाइस अब मैं आप लोग को सेंसिटिविटी एंड फायर बटन का साइज बता देता हूं। तो गाइस सर अभी मैं लॉबी के अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर गाइस मैं आप लोग को सेंसिविटी सेटिंग बता देता हूँ। गाइस ये रहा सेंसिविटी एंड यहाँ पर आप लोग को अपने फ्री लुक को 100, स्नाइपर स्कोप को 100, 4x स्कोप को 100, 2x स्कोप को 100 एंड जो आप लोग का रेड डॉट है उसको गाइस आप लोग को 98 एंड जनरल को 100, ठीक है। तो गाइस ये है बेस्ट सेंसिविटी सेटिंग गाइस यूएमपी से हेडशॉट मारने के लिए या फिर एसएमजी गन से हेडशॉट मारने के लिए, ठीक है। एंड फायर बटन की बात करें तो गाइस अभी मैं कस्टम एचडी के अंदर आ चुका हूँ एंड फायर बटन का साइज देख लो 53 कर रखा था, बट गाइस वे मैंने किसी और गन के लिए करा था। आप लोग गाइस अगर यूएमपी से हेड मारना है तो गाइस आप लोग का फायर बटन का साइज जो है वो 40 होना चाहिए। एंड पोजीशन आप लोग देख लो, ये जो डंडी दिख रही है आप लोग को लाइन, इसी के बीच में आप लोग को अपने फायर बटन को रखना है, ठीक है। तो गाइस मैंने आप लोग को सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से बता दिया एंड गाइस आई होप आप लोग को हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइस आप लोग को वीडियो पसंद है जरूर से इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग के बगल में एक नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग उसको ऑल पे सेट कर लीजिएगा हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन से पहले। एंड गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अपने भाई को, इंस्टाग्राम का नेम है गाइस यूनिक एफएफ टिप्स। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या फिर आप लोग कोई परेशानी होती है गेम के अंदर तो वे कमेंट कर दो, आप लोग के लिए मैं वीडियो ला दूंगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही एंड गाइस मिलेंगे एक और नहीं धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गाइस यार बाय बाय एंड गाइस टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। तुमसे मिला तुमको क्या थी खबर था मैं कितना